हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वेणुगोपाल, मैं एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई हूँ। ये मेरा कहानी शुरू होता है 1979। वो साल में मैंने यूनियन बैंक में भर्ती हो गया। यूनियन बैंक में क्लरिकल पोस्ट में मेरे को जॉब मिला। उसी टाइम का मेरा एजुकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन था, BSc था। बैंक में 14 साल मैंने काम किया, मेरा गांव में ही। मतलब मैं डेली घर में आते जाते रहता था। मेरे को जो दूर का ब्रांच नहीं मिला, मैं 14 साल मेरा घर से ही ब्रांच में वो बैंक में जाके आता था। एक दिन अचानक मेरे को एक ट्रांसफर ऑर्डर आ गया UP के लिए, उत्तर प्रदेश। मैं केरला में रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश बहुत दूर है हमारे उधर से। मेरा बहुत कोशिश किया केरला में ही रहने के लिए, बहुत सारा रिकमेंडेशन सब करवा के ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करने का बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरे को 1993 में मेरे को उत्तर प्रदेश को जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में मेरा अपॉइंटमेंट फूलपुर ब्रांच में था। फूलपुर आजमगढ़ फूलपुर, दो फूलपुर था, एक अहमदाबाद का एक फूलपुर करके गांव था, ऐसा ही आजमगढ़ का भी एक फूलपुर करके गांव था। तो मेरा अपॉइंटमेंट आजमगढ़ जिला का फूलपुर ब्रांच में हो गया था। मैं एक बात बताता हूँ, मैं केरला से हूँ, सो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं होगा। हिंदी में जो बात करते हैं इसमें बहुत सारा गलतियाँ हो सकता है, माफ़ करना। ऐसा मैंने फूलपुर ब्रांच में जाके ज्वाइन कर दिया। तभी मेरे को मालूम पड़ा कि केरला और उत्तर प्रदेश के वो जो गैप है ना, गैप मतलब हमारा गांव में आप सब लोगों को मालूम है, केरला में एजुकेशन वाइज आगे है, बहुत आगे था वो टाइम पे। सब लोगों को लिखना पढ़ना आता था एंड चाल चलन तरीके, खाने का तरीके सब अलग अलग था। तो मैं जब यूपी में पहुंचा तो कुछ भी मेरे को जमता नहीं था। खाना नहीं जमता था, रहने का तरीका नहीं जमता था, काम करने का तरीका नहीं जमता था, ये सब मेरे को कुछ नहीं जमता था। वो तो ऐसा ही होता है, एक आदमी एक जगह से दूसरे जगह में जाता है ना, उसका जो पुराना चाल चलन सब चलता नहीं है। तो नया जगह जहाँ पहुँच गया उधर का चाल चलन अपनाना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को बाद में पता चला उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 2.5 साल का यूपी का रहने के बाद में मैं यूपी से प्यार हो गया मेरे को, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारा जैसा गाँव का लोग नहीं है उधर। उधर के लोग ज़्यादातर लोग सीधा साधा लोग हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल है, ऐसा है। तो मेरे को 2.5 साल के बाद मेरे को जो उधर से वापस आने के टाइम पर मेरे को उतना मीन्स जानकारी हो गया, क्योंकि ये क्या डिफरेंस है केरला वाले में और यूपी वाले में, वो ठीक है। तो ऐसा मैंने उधर ज्वाइन कर दिया, तो मेरे को क्या हो गया, मेरे को लगा कि अभी मेरे को ये जो ये उसी टाइम मैंने ऑफिसर पोस्ट में था, ये बैंक में ऐसे नॉर्मल काम करने वाले को थोड़ी टाइम के बाद कोई नहीं लेगा। अभी मेरे को जो अभी मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे को काम करने का है, तो मेरे पास स्किल क्या है। नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय को SSC का एजुकेशन काफ़ी है, एक से जैसा गिनना मांगता है, ऐड करना जाना आता, ऐड करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, सब आना चाहिए, उतना ही काफ़ी है नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय का, मे बी क्लर्कल लेवल पे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इधर ये बैंक में नॉर्मल नौकरी करके मेरे को बाद में कुछ नौकरी मिलने वाला नहीं है। मेरे से बैंक में ज्वाइन करते तभी से मेरा उम्मीद था कि मेरे को बैंक छोड़ने का, बिकॉज मेरे को काम शुरू से इतना पसंद नहीं था। तो मैंने बैंक में भर्ती हुए 6 महीने के बाद ही बैंक छोड़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हुआ नहीं पाया, क्योंकि उसी टाइम बैंक में जॉब मिलना बहुत बड़ा काम था, सब लोगों को मिलता नहीं था ऐसा था। तो मेरे को मिल गया तो सौभाग्य समझने का, ऐसा मेरा घर वाला फ्रेंड्स सब लोग ऐसे ही बोलता था, तो ठीक है नहीं छोड़ा। बट लेकिन यूपी में जाने के बाद हमारा प्रॉब्लम है, हमारा मेन प्रॉब्लम खाने का था। हमारा
तरीके का खाना उधर नहीं मिलता था। बाद में हम अपने आप कुकिंग चालू कर दिया, लेकिन ये सब होने के बाद मेरे को लगा कि अभी ये नॉर्मल बैंकर से मेरे को मेरा कोई डिमांड नहीं रहेगा बाद में। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अभी कंप्यूटर में, तभी कंप्यूटराइजेशन बैंक में आना चालू हो गया था, तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर में मिलेगा ना तो मेरे को अच्छा सिटी में काम कर सकता है, अच्छा नया नॉलेज मिल सकता है, ये सब मेरे को लगा। तो मैंने क्या किया, हमारा बैंक का एक एप्लीकेशन भेज दिया, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बॉम्बे के लिए, कुछ हुआ नहीं। बाद में मैंने उधर से 2.5 साल के बाद मेरे को उधर से ट्रांसफ़र हो गया मदुरा, मदुरा इन तमिलनाडु का जो मदुरा, नॉट नॉर्थ इंडिया वाला मदुरा नहीं है, तमिलनाडु का मदुरा में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो उधर जाने के बाद तुरंत एक ये आया कि एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट के टेस्ट आया, बैंक ने एक टेस्ट कंडक्ट कर दिया, वो टेस्ट में मैंने लिखा और पास हो गया और मेरा फर्स्ट चॉइस बॉम्बे था। तो मेरे को जो बॉम्बे में यूनियन बैंक का सेंट्रल ऑफिस में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में मेरे को अपॉइंटमेंट मिला और ट्रांसफ़र हो गया, मैं उधर पहुँचा। उधर पहुँचने के बाद मैं सोचा कभी मैं बहुत बड़ा कंप्यूटर बन जाऊँगा, कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाऊँगा, ये सब मैंने सोचा, बिकॉज कंप्यूटर डिपार्टमेंट है ना तो क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को बहुत सारे लर्न करने के लिए मौका मिलेगा, बहुत सारा कंप्यूटर में काम करने के लिए मौका मिलेगा, कंप्यूटर का नया नया बैंकिंग में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो उसके बारे में मालूम पड़ेगा, ये सब हो गया। लेकिन उधर पहुँचने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये सब इतना ईजी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है ही नहीं था। तो मैंने पहले क्या कर दिया, मैंने उधर NIIT करके एक इंस्टीट्यूट है उधर जाके ज्वाइन कर दिया, और उधर जाके ज्वाइन करने के बाद 2 साल का कोर्स था उसके लिए ज्वाइन कर दिया, एंड मैं अपने आप कंप्यूटर पे खरीदा। एट दैट टाइम इट अराउंड 65,000 रुपीज़ का एक कंप्यूटर मैंने ले लिया लोन पे। तो पढ़ने के लिए मैं डिसाइड किया था मैं कंप्यूटर में ही एक्सपर्ट बन जाऊँगा, ये सोच के मैंने कंप्यूटर लिया, NIIT में भर्ती हो गया, NIIT में क्लास चालू हो गया। तो मैंने धीरे धीरे कंप्यूटर के लाइन में आने का चालू हो गया। लेकिन मेरे को एक बात समझ गया कि ये NIIT में जो पढ़ाता है ना, ये बैच को पढ़ाता है वो प्रीवियस बैच का लड़के लोग हैं, जिसका जॉब नहीं मिला उन्होंने नेक्स्ट बैच को पढ़ाता है। तो मतलब उसको भी इतना नॉलेज नहीं है, वो कितना नॉलेज नेक्स्ट बैच को दे देगा। तो एक 6 महीने के बाद मेरे को पता चला कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, हमको अपने आप पढ़ना चाहिए, वही मैं समझ गया उसी टाइम। तो मैंने अपने आप पढ़ना चालू कर दिया। पढ़ना कैसे पढ़ना, तो मेरे को मेरा कंप्यूटर पढ़ने 2 फ्रेंड्स था मेरा, वो 2 फ्रेंड्स को मैंने बोला कि मेरे को कंप्यूटर का मीन्स प्रोग्रामिंग सब सिखा दो। तो उन लोगों ने मेरे घर पे आके मेरे को क्लास दे रहा था। तो मैंने ऐसा कंप्यूटर में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने समझ लिया, बट वो मेरा पैशन था मेरे को कंप्यूटर में आने का ही है, वो मैंने डिसाइड किया था मेरे को कंप्यूटर में ही मेरे को आगे करियर बनने का है। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया कि चाहे NIIT में मेरा कितना 50,000-60,000 रुपीज़ उसका फीस था, वो जाने दो, मैं तो कंप्यूटर में पढ़ूंगा, कंप्यूटर में मेरा कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब मैं पढ़ूंगा। मैंने सब पढ़ना इसी नहीं है, बाद में मेरे को वो भी पता चला सब पढ़ना इसी नहीं है, आप कोई भी एक चीज़ में पढ़ सकता है। कंप्यूटर में ऐसा कि वो एक सागर का जैसा है, सागर में कितना बड़ा है, सागर कितना गहरा है बड़ा है, उसी कंप्यूटर भी उसी तरह का है, कंप्यूटर का नॉलेज उसी तरह का है। सो मेरे को सब कुछ सीखना ईजी नहीं है, तो कम से कम एक चीज़ तो पढ़ो ऐसा। तो मैंने वो टाइम पे यूनियन बैंक में पावर बिल्डर करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर बन रहा था, तो मैंने पावर बिल्डर में सीखना मीन्स सीखना चालू कर दिया। ये मेरा जो फ्रेंड्स बोला था ना, वो लोग मेरे को हेल्प कर दिया एक कंप्यूटर में ये पर्टिकुलर पावर बिल्डर सॉफ्टवेयर सीखने के लिए। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट में मैंने बोला, कंप्यूटर डिपार्टमेंट बोला कि मैं सॉफ्टवेयर पढ़ रहा हूँ, सो मेरे को सॉफ्टवेयर में डालो, मेरे को सॉफ्टवेयर में कुछ करने का है। लेकिन उधर भी वो लोग उसे ऐसा नहीं किया, यही मैं बोला हम जैसा सोचता है ऐसा होता नहीं है। हम सोचेगा अभी हमको कंप्यूटर में हमारा जो प्रोग्रामिंग सेक्शन में डालेगा, हम सीखेगा, बड़ा बड़ा काम करेगा, कुछ नहीं। वो लोग मेरे को सीधा पेमेंट प्रोसेस में डाला, मतलब ये वेंडर्स आता है ना, कंप्यूटर खरीदने वाला HCL वगैरह वगैरह कंपनीज आता है, वो बेचता है, उसको पेमेंट करने का, पेमेंट करने के पहले प्रोसेस नोट बनने का, प्रोसेस नोट बनाने का है, मेरे को वो जॉब में डाल दिया। तो मैं बोला ठीक है, जो मिला करने का तो कर रहा था, लेकिन मैं अंदर से मैं काफ़ी खुश नहीं था। तो क्योंकि मेरे को जब
मेरा इंटेंशन था मेरे को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सीखने का, वो तो होता नहीं है। बैंक के जो काम में मेरे को उसमें कुछ भी मौका नहीं मिला, तो मैंने अपने आप पढ़ा। ये पावर बिल्डर का जो टीम दूसरा था, बैंक में जो एक एप्लीकेशन था उसका टीम दूसरा था, उसके साथ में भी मेरे को चांस नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप पढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज हासिल कर दिया। ऐसा बैठते समय एक दिन चीफ मैनेजर, या दूसरा डिपार्टमेंट का है, हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट का चीफ मैनेजर मेरे को बुलाया, तो पूछा कि उसको एक छोटा सा एप्लीकेशन चाहिए था, वो बिना कर सक बिना बनाता है क्या, मतलब आप बिना बिना के दे सकता है क्या, ऐसा पूछ रहा। मैं बोला कोशिश करूँगा। तो उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स बोला उसके हिसाब से मैंने एक छोटा एप्लीकेशन एम एस एक्सेस में कर दिया। दैट वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट एम एस एक्सेस एप्लीकेशन। एम एस एक्सेस में एप्लीकेशन बनाई हुई है, एम एस एक्सेस डेटाबेस यूज करके वो सारा एप्लीकेशन बनाया। उसके बाद वंस आई लेफ्ट द बैंक छोड़ने के बाद आई वो सब, लेकिन एम एस एक्सेस में मैंने एप्लीकेशन मैंने उसको दे दिया। तो उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, अच्छा हो गया है, हमारा काम हो जाएगा इससे। उन्होंने मेरे को 500 रुपया दिया, 500 रुपया ऐसे प्रसेंट, इतना बना के दे दिया ना, इसलिए 500 रुपये का प्रसेंट दे दिया। मैंने बोला सर मेरे को मत दिए, मेरे को तो प्रोग्राम करने के लिए दिया ना, दैट इज गुड फॉर मी और दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी, मेरा पहला प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया। उसके बाद एक हफ्ते या दो हफ्ते के बाद यही चीफ मैनेजर मेरे को एक दिन बुला के पूछा कि तुमको पावर बिल्डर आता क्या। मैं बोला हाँ आता है, किधर, मेरे को थोड़ा सा ही मालूम है, मैंने कॉन्फिडेंटली बोला हाँ आता है। तो तुमको दुबई जाने का इच्छा है क्या? मैं बोला जाऊँगा। उन्होंने क्या, ये मेरा पहले से मेरे माइंड में था कि मेरे को बाहर जाने का, इंडिया का बाहर जाने का काम करने का ऐसा इच्छा मेरे माइंड में था। संभव उधर ऐसा हो गया, मतलब उन्होंने बोला कि तुम तुम्हारे पासपोर्ट लेके आ जाओ, पासपोर्ट लेके देखेंगे, एंड एक हफ्ते के अंदर मेरे को विजिट मिस मिल गया अबू धाबी का कंपनी में, एक मनी एक्सचेंज कंपनी है उधर, उधर मेरे को प्रोग्राम करने के लिए मौका मिला। ये मेरे जाते समय ना मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज कुछ नहीं था, मैंने क्या किया इधर से 2 बुक खरीदा, जब फॉरवर्डर के बारे में जो मार्केट में उसी टाइम में अवेलेबल 2 बुक्स था, वो दोनों बुक खरीद के मैंने सीधा फ्लाई कर दिया अबू धाबी को। अबू धाबी में पहुँचने के पहले मैंने एक हफ्ते पहले मैं ऐसा मेरा माइंड में रिपीट कर रहा था कि ये लोग उधर जाने के बाद मेरे को कुछ नहीं पूछने का, नो टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल क्वेश्चन पूछने का ही नहीं है, मेरे को यही पूछने का तुमको कितना सैलरी है ये हमारे साथ काम करने के लिए, यही वो लोग पूछने का करके मेरा माइंड में मैंने ऐसे रिपीट कर रहा था। ये जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कि तुमको दुबई जाने का है करके, एक हफ्ता कंटिन्यूसली मॉर्निंग एटलीस्ट 10 मिनट्स आई यूज टू रिपीट दिस, आई विजुअलाइज दैट आई एम इन दुबई, आई एम जब वॉकिंग ऑन द रोड, रोड से चल रहा हूँ, गाड़ी बड़ा देख रहा हूँ, रोड बड़ा बड़ा रोड ऐसा क्रॉस करके जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा मैंने जो सपना देख रहा डे डे ड्रीम्स देख रहा था, सपना मीन्स विजुअलाइज मैं माइंड के अंदर ऐसा मैंने पिक्चर देख रहा था। तो उन्होंने मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ मच सैलरी यू वांट, दिस वाज माय प्रैक्टिस। मैंने ऐसा एक हफ्ता प्रैक्टिस कर दिया, उधर पहुंचने के बाद वो जो एक्सचेंज कंपनी कंडक्ट कर रहा था, एक फादर एंड सन, एक फादर एंड सन उसका ओनर था। तो उन लोगों ने मेरे को प्रैक्टिकली कुछ नहीं पूछा, यही पूछा कि तुमको कितना सैलरी चाहिए। मे बी द वेट्स में भी डिफरेंट, बट यही पूछा मेरे को तुमको कितना सैलरी चाहिए हमारे साथ काम करने के लिए। मैं तो 7000 दिरहम बोला, वो बोला 7000 ज़्यादा है, 6000 दो। मैं बोला नहीं चलेगा, तो ठीक है 6500 बीच में एडजस्ट कर दिया। तो ठीक है, मैं भी सोचा 6500 एट दैट टाइम अराउंड 65-70000 रुपीस आता था, हाँ उससे ज़्यादा आता था, 12 रुपया था पर दिरहम, सो 72 के ऊपर आता था। मेरा यूनियन बैंक उसी टाइम का सैलरी था सिर्फ 22000, तो उससे बहुत ज़्यादा है ना, सो मैं ठीक है मैंने एग्री कर दिया। क्या हो गया उधर, मैंने 6 महीने बैठ के एक आधा किया हुआ प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम कंप्लीट करने का था, ये एक्सचेंज है उसके लिए, वो मैंने 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया।
बाद में उन्होंने क्या हो गया, वो लोग मेरे को बोला था कि तुमको हम वीसा देंगे, जॉब वीसा देंगे, ऐसा सब बोल के मेरे को इधर से लेके गया, तुम रिजाइन करो। फिर मैंने रिजाइन भी कर दिया यूनियन बैंक से। अल्टीमेटली ये 6 महीने के बाद प्रोग्राम खत्म होने के लोग लो मेरे को बोल रहे हैं तुम 1.5 लाख रुपीज दे दो, देन ओनली वीसा दे देगा। मीन्स 1.5 लाख रुपया दे दो, ऐसे ही पैसा मिलेगा। बोले मेरे को तुम्हारा जॉब नहीं चाहिए, तुम मेरे को इधर कॉल कर लेके आया ना, तुम मेरे को बुला के आया है मेरे को, मैं तो आपको जॉब पूछा नहीं है ना, आप मेरे को कॉल करके इधर लेके आए, अभी आप बोल रहे हैं पैसा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पासपोर्ट वापस दे, मैं जाता हूँ। मैं ऐसे ही उधर से पासपोर्ट लेके मैं वापस इंडिया में आ गया। इंडिया में आने के बाद तीन हफ्ते के अंदर भी मेरे को दूसरे एक बैंक में उसका कंप्यूटर डिपार्टमेंट में मेरे को जॉब मिला। उधर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर करके ज्वाइन कर दिया, और बैंक का नाम है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, अभी DCB बैंक जो बोलता है उधर था मैं। उधर मैंने 3 वीक के अंदर उधर ज्वाइन कर दिया। उधर का प्रोग्राम और उधर में था, इसलिए मैं उधर मैंने था, मतलब कम 5 साल तक था उधर। 5 महीने मैं उधर से जब लीव कर रहा था, जब उधर छोड़ रहा था, तभी मेरा प्रोफाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को हेड करने का था, वही मेरा प्रोफाइल था। लेकिन ये जो इतना साल के बीच ये जो मैंने कंप्यूटर कैसे सीखा, मैं दुबई में बैठ के सीखा। दुबई में बैठ के मेरे को जो थोड़ा सा नॉलेज है, वो नॉलेज को मैंने, मेरा US में उसी टाइम पे एक फ्रेंड था, एक दोस्त था, उससे बात करके मेरा मैंने ये क्या क्या करने का, कैसे करने का, उसका पूछ के रात को इंटरनेट में बैठ के हम बात करके प्रोग्राम उधर कम्प्लीट कर दिया। एंड ये बुक्स भी मेरे साथ आ रहे, उसके दोनों पढ़ के मैंने अपने आप बहुत सारे मेहनत किया वो प्रोग्राम कम्प्लीट करने के लिए। वो वापस आने के बाद ये जो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक में ज्वाइन किया, तो मेरे को उधर मेरा जो नॉलेज है ना वो बहुत एनहांस हो गया, बहुत मेरे को बहुत मिला ये जो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का प्रोग्राम से। आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए पहले आपको एक अच्छा प्रोग्राम में काम करना चाहिए, ये देन ओनली आपको ये प्रोग्राम का क्या बोलता है सब कुछ मालूम पड़ेगा। छोटा कंपनी में छोटा प्रोग्राम में काम करेगा तो नहीं चलेगा। प्रोग्राम बड़ा होना मांगता है, प्रोग्राम में अच्छा, वो प्रोग्राम भी अच्छा प्रोग्राम होना मांगता है, अच्छी तरह लिखा हुआ प्रोग्राम होना मांगता है, और आपको डायरेक्ट करने के लिए कोई अच्छा लोग होना चाहिए। ये सब है तो आप बहुत अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। नहीं तो कह रहे बुक से पढ़ेंगे तो उसका एक लिमिटेशन होता है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर उसका एक छोटा सा लिमिटेशन हो सकता है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है ऐसा है कि आपको बहुत सारा ये प्रोग्राम का भी बहुत सारा फैक्टर्स आपको सीखेगा उधर से। तो मैं ये जो अभी कंप्यूटर में जो आना चाहता है उसको यही बोलने का, आप कंप्यूटर में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने आप सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंटरनेट बहुत कॉमन है, उसी टाइम इतना नहीं था, मैं जब था तभी जो रेस्ट्रिक्टेड था, बहुत कम लोगों के पास डायरेक्ट घर पे वाईफाई हो सकता। अभी वो सिचुएशन चेंज हो गया, सो अभी का जो लड़के लोगों को और या लड़की लोगों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका है, और इवन YouTube में आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा, कोई भी प्रोग्राम के बारे में आपको पढ़ना चाहते हो आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा, वो देख के आप अपने आप एडुकेट कर सकता है। वो करने का मैंने ये क्या देखा कि मेरे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लिया है मैंने, एंड देन क्या होता है, ये लोग कॉलेज से सीधा बाहर कर आ गया, बाद में कुछ करता नहीं है, बाद में अपना स्किल बाहर लेने के लिए वो कुछ भी करता नहीं है, सीधा जॉब के लिए आ रहा है फ्रेशर करके, बट वो ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, कम से कम अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ ना, वेबसाइट का जो होस्टिंग फ्री है, कैसे करने का वो भी इंटरनेट में सब कुछ फ्री है, तो आप वो कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपका जो आप इंटरव्यू के लिए जाता है ना उसमें आपको वैल्यू बढ़ेगा, आपको जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपको कंप्यूटर में पैशन है। जब तक आप पैशन नहीं होता है ना, आप नॉट ओनली कंप्यूटर कोई भी फील्ड में आगे आने के लिए आपको पैशन चाहिए ही चाहिए, तो पैशन के साथ आप पढ़ो, आपको जॉब जरूर मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, क्योंकि सब कंप्यूटर में शायद आपका पहला साल भी 8,000, 10,000, 15,000 होगा, लेकिन एक या दो साल में ये 30, 40, 50 के ऊपर जा सकता है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि वो उन्होंने जो शुरू से छोटा छोटा सैलरी में काम करना चालू करता है, बाद में उसको इसका जो क्या बोलता है सीक्रेट मालूम पड़ता है ना कैसे करने का सब कुछ, देन उसका सैलरी का सैलरी लेवल इंक्रीज होता है। सो अभी कोई भी नया
कंप्यूटर इंजीनियर को मेरे को यही बोलने का कि आपको कौन सा सीखने का, कौन सा लैंग्वेज पढ़ने का, एक ही थिंग में कॉन्सेंट्रेट करो, एक ही लैंग्वेज में कॉन्सेंट्रेट करो। सी शार्प लेता तो सी शार्प लेना, जावा लेना है तो जावा ले ले, पाइथन करना है तो पाइथन करे, जो भी है उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। 100 चीज में इधर उधर भागो मत। यू शुड नॉट बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, समझा? सबका सब में हाथ लगाने का नहीं है, कोई भी एक में हाथ लगा करो। अभी आज का जमाने में पाइथन इज ए वेरी गुड लैंग्वेज। पाइथन में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, डेटा साइंस वगैरह वगैरह, मशीन लर्निंग ऐसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सबका पाइथन में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। सेम वे जावा में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी। जावा में क्या है कि लोग अच्छा लोग मिलता नहीं है। जावा में एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल पीपल कम है, बहुत कम है। सो जावा पढ़े, बट जावा थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बोल रहा हूँ। पाइथन बहुत ईजी है। सो आप कोई भी आपका मन में जो इच्छा है, जो अच्छा लगता है वो करो, बट जो करता है ना उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ, तभी आपका आगे का जो फ्यूचर है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, ऐसा आज का ज़माने में चलता नहीं है। आप कोई भी चीज़ में करो, लेकिन उसमें आपका एक्सपर्टाइज चाहिए, एक्सपर्टाइज आना ही मांगता है। यही मेरा कहानी है जो 40 साल में मैंने कैसा प्रोग्रामर बन गया। मैं 40 साल में ही शुरू कर दिया ये सब। अभी मैं 64 हूँ। अभी भी मेरा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बॉम्बे में, मैं उससे बैंक के लिए भी सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ। मेरा क्लाइंट्स ऑल क्लाइंट्स आर बैंक्स, और सब बैंक के साथ मेरा डील है। सो ऐसा मैं कर सकता है तो अभी का यंग जनरेशन किधर तक जा सकता है उसका कुछ ये नहीं है। मीन्स उसका आगे का जो प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस कोई रोक नहीं सकता। बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा, लेकिन आपको एक ही चीज़ करने का, जो करता है ना उसमें पैशन लगाओ, पैशन से करो, एंड कोई भी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ। यही मेरा एक्सपीरियंस है जो बोलने का, यही मेरे को बोलने का, यही मेरा एडवाइस है। थैंक यू वेरी मच।